हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि मंडे को बाजार में डेटा किस हिसाब से जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल दे सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे समरी के ऊपर। समरी पे देखिए, यहाँ पे जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किया है, कॉल पे भी अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है और इंडेक्स पुट पे शॉर्ट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। एफआई यहाँ पे देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल पे शॉर्ट किया, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। अब देखिए प्रो का डेटा, प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट है, इंडेक्स कॉल में शॉर्ट है, इंडेक्स पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे दोस्तों, डीआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में छोटा सा क्वांटिटी लॉन्ग किया, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है, पुट में शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो आप समरी पे देख सकते हैं कि कैसे क्लाइंट को अपोजिट साइड में डालने की कोशिश हो रही है। क्लाइंट अपने जो भी शॉर्ट पोजीशन थे उनको कवर करके लॉन्ग से डालने की तैयारी में है। एफआई अपने पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रो भी सेम काम किए हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों डेटा के ऊपर और उस डेटा को चेक करते हैं जहाँ से हमें मिलने वाला है कंक्लूजन। वहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सा ट्रेडर क्या क्या जो है लेके गया है। उसके पहले दोस्तों कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपने क्लिक किया डेटा पे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @NiftyVID है, लिंक भी है नीचे, वहाँ पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको लाइव में अपडेट मिलेगा ताकि आप एक अच्छे से जो है अपना एक्शन ले सके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, क्लाइंट जो है पहले जो है शॉर्ट में था 64K, अब जो है शॉर्ट में 30K। तो आज इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्रेज जो है लॉन्ग क्रिएट किए और शॉर्ट को जो है आज क्लोज किया। इसके बाद देखेंगे डीआई, तो यहाँ पे 92 जो है लॉन्ग यहाँ पे जो है क्रिएट किया और इसके बाद जो है 4 क्वांटिटी शॉर्ट जो है क्लोज किया। तो इनके पास 25,000 जो है अब शॉर्ट है, थोड़ा सा जस्ट हल्की सी क्वांटिटी कम हुई है। एफआई का देखेंगे तो इन्होंने आज लॉन्ग दोस्तों क्लोज किया 8700 और शॉर्ट भी जो है क्रिएट किया 6800। अब इनके पास 88,000 जो है लॉन्ग है। यहाँ पे प्रो ने जो है लॉन्ग क्लोज किया 7200, शॉर्ट भी जो ओपन किया 3400। सो इनके पास 24,000 जो है शॉर्ट हो गया। तो इन्होंने फ्रेस में जो है शॉर्ट अच्छे खासे क्रिएट किए। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। क्लाइंट देखिए, यहाँ पे लॉन्ग जो क्रिएट किया था वो 21 लाख जो है क्रिएट किया था और 19 लाख जो है यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि इतनी जो ह्यूज पोजीशन आ रही है वो क्यों आ रही है। सिर्फ गैप डाउन की वजह से इतनी सारी पोजीशन आ रही है कि लोगों ने भर भर के इधर उधर से पोजीशन जो है बनाई, टेढ़ा टेढ़ा जो भी पोजीशन मिला लोगों ने क्रिएट किया। फाइनली इनके पास जो है 142 का जो है शॉर्ट पोजीशन कैरी हुआ। सो पहले से क्वांटिटी आधी हो गई। अब यहाँ पे देखिए एफआई की पोजीशन देखिए, तो एफआई ने यहाँ पे फ्रेस लॉन्ग क्रिएट किए 350 और शॉर्ट जो क्रिएट किया वो 369। तो अब इनके पास दोस्तों 272 जो है लॉन्ग है, सामने से थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने जो है यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किया 318,000, शॉर्ट क्रिएट किया 4,90,000, 5 लाख में थोड़ी सी कम है। अब इनके पास फ्रेस में जो है शॉर्ट आ गया 42,000 जो है लॉन्ग था उसके सामने 129 ये शॉर्ट होल्ड करने लगे। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट देखिए, यहाँ पे क्लाइंट के पास जो है टोटल जो है 334,000 जो है शॉर्ट हो गया। पहले जो 11,000 था, अब इनके पास जो है 334 जो है शॉर्ट हो गया। इन्होंने क्या किया आज 6,82,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग ओपन किए पुट में और इसके बाद जो दोस्तों 10 लाख जो है यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट क्रिएट किए। अब ये शॉर्ट में आ चुके हैं इंडेक्स पुट के ऊपर। डीआई ने यहाँ पे जो है लॉन्ग्स आज क्लोज किए हैं 2,000 जो पुट के थे। एफआई ने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग जो है फ्रेश में क्रिएट किया 293 और शॉर्ट क्रिएट किया 164। सो इनके पास जो पुट हो गया वो हो गया 318। तो पहले से जो है 1 लाख के करीब जो है ये बढ़ गया इनका इंडेक्स पुट। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो है यहाँ पे प्रेस में 273 जो है लॉन्ग क्रिएट किया और 78,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया। तो अब इनके पास जो पुट शॉर्ट है वो मात्र 40,000 रह गया। स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी चेक कर लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर पे क्लाइंट के पास जो है 10 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास वही 13 लाख शॉर्ट है, एफआई के पास 121 लॉन्ग थोड़ा सा कम हुआ है और प्रो के पास 158 लॉन्ग थोड़ा सा बढ़ा है। एफआई ने आज जो है यहाँ पे लॉन्ग्स दोस्तों क्लोज किया है और शॉर्ट भी ओपन किया। प्रो ने क्या किया, लॉन्ग यहाँ पे जो है ओपन किया और शॉर्ट भी ओपन किया, लॉन्ग इनके ज्यादा है। क्लाइंट क्या कर रहा है, तो क्लाइंट जो है 26,000 जो है लॉन्ग क्रिएट कर रहा है और शॉर्ट को जो है वो क्लोज कर रहा है। डीआई क्या कर रहा है, तो डीआई ने जो है 1700 जो है लॉन्ग क्रिएट किए और शॉर्ट क्रिएट किए
33,000। दोस्तों कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि डीआई कंटिन्यू जो है ह्यूज जो है शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो बेसिकली ये जो डीआई दोस्तों ये जो आप शॉर्ट देखते हो कि 13 लाख के करीब आता है, डीआई की ये जो पोजीशन है दोस्तों ये हेज की पोजीशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि डीआई मैक्सिमम कैश एक्टिविटी करते हैं और डीआई हमेशा कैश में मार्केट को सपोर्ट करते हैं। आप कभी भी देखोगे तो डीआई की जो एक्टिविटी होती है वो आपको हमेशा दिखाई देगी कि मैक्सिमम जो है कैश में ज्यादा होती है। अगर एफआईआई सेल भी करता है तो सामने से आके डीआई हमेशा बाई करता है। आज भी देखोगे 21 जुलाई को तो डीआई ने 1290 शेयर की जो है बाइंग की, यानी कि 1200 शेयर की बाइंग की है, जबकि एफआईआई ने 1900 शेयर की जो है सेलिंग की है। सो इसलिए ये पोजीशन हमेशा आपको मेंटेन दिखाई देगी जो कि आपको जो है 7 डिजिट में होगी, और सिर्फ शॉर्ट सेल जो करके रखते हैं वो पोजीशन को हैज करने के लिए, ताकि ओवरनाइट अगर मार्केट इनके कोई लेखा जोखा करके और पूरा ही खत्म हो गया तो उनकी पोजीशन पे कोई असर ना है। सो वो पूरा कैलकुलेटेड शॉर्ट लेके चलते हैं, और आप देख सकते हो पिछले एक महीने का डेटा मेरा चेक करो, आपको यही 13 लाख का जो शॉर्ट इनका होल्ड दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, तो जिस दिन ये शॉर्ट कम होने लगा आप ये समझिएगा कि उनके सिर्फ शॉर्ट नहीं कम हो रहे, लॉन्ग भी कम हो रहे हैं, तभी क्योंकि वो उन्होंने उसके रेशियो में शॉर्ट करके रखा है। सो आई होप कि आपको जो है ये डेटा जो है सामने से जो भी डाउट आया था वो क्लियर किया होगा, जिसने भी क्वेश्चन किया था आंसर मैंने कर दिया, होप आपको हेल्प होगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों डेटा को जो है फाइनल करते हैं, एक बिल्कुल अपना जो हैज वगैरह की जो भी पोजीशंस है और मार्केट में जो पोजीशन ओपन है वो यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली हम लोग डेटा को जो एक बार यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट की, तो यहाँ पे क्लाइंट देखिए इंडेक्स फीचर पे जो है 38,000 जो है शॉर्ट सेल कर रहा है, और यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट का जो है 142 जो है कॉल भी शॉर्ट है, तो ये जो बेसिकली दोस्तों हो जाएगा 180, और इसके बाद इनके पास 3,34,000 जो है इंडेक्स पुट भी शॉर्ट है 3,34। तो अभी आप देख सकते हैं मैजिक कि कैसे जो है लॉन्ग को जो है शॉर्ट में और शॉर्ट को जो है लॉन्ग में जो है बैठा दिया गया। अब 334 इनके पास जो पुट शॉर्ट हो गया और 1.80 1,80,000 इनके पास जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हो गया। तो अब इनके पास दोस्तों मोटा मोटी 1.54 यानी कि 1,54,000 प्लस पोजीशन आ गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी ह्यूज मात्रा में इन्होंने पुट शॉर्ट कर दिया है 334, इसलिए अब ये लोग माइनस से जो है प्लस की तरफ आ गए। देखिए दोस्तों एफआईआई की बात, तो एफआईआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे दोस्तों 88,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग जो है होल्ड कर रहा है, ओके, और कॉल जो यहाँ पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है वो होल्ड कर रहा है 272,000। तो ये जो पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 360 के करीब हो गई, और इनके पास जो पुट जो दोस्तों लॉन्ग है वो 318 है, ओके। तो इनका जो M2M आएगा वो दोस्तों आ जाएगा 42,000 इनके पास दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है, बुलिश है। अब यहाँ पे दोस्तों कई लोगों का जो है ना क्वेश्चन होगा कि FYI तो यहाँ पे लॉन्ग में है, FYI को तो आज जो है लॉस बुक करना पड़ा है, FYI को तो आज नुकसान हुआ होगा, वो अपने माइंड से काफी खुश होंगे, बट उनकी जानकारी के लिए बता दे कि आप ये डेटा पहली बार देख रहे हो सकता है कि कल देखे हो, हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं और जो रेगुलर फॉलोअर उनके साथ शेयर करते हैं, और जो रेगुलर फॉलोअर उनको पता है कि वो कितने दिनों से ये इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, ये जो कॉल है लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। तो अगर एक आदमी जिसने 19,000 से इंडेक्स फ्यूचर अगर बाई कर रखा हो 1,000 पॉइंट प्लस में हो, 200 पॉइंट उसमें से माइनस कर दोगे तो स्टिल वो M2M में है, और आपको वो डाइवर्ट करने के लिए क्या करेगा, इमीडिएटली जो अपनी लॉन्ग की पोजीशन है वो धीरे से OTM पे ले जाकर शिफ्ट कर देगा, इंडेक्स फ्यूचर को सेम बरकरार रखेगा और पुट में जो है ITM पे एंट्री कर लेगा, उसके बाद स्लोली इनसाइड गेम करके अपने पोजीशन को बियरिश की तरफ टर्न करेगा और आपको डेटा जो है बुलिश दिखाई देगा। ये होता है दोस्तों सातिर दिमाग, इसको बोलते हैं सातिर दिमाग, और इसको बोलते हैं डेटा को छिपाना। तो अब मेरा मैसेज क्या है यहाँ पे वो मैं जस्ट शेयर करूंगा, एक बार प्रो का डेटा भी निकाल लेते हैं। तो प्रो का डेटा देखिए, प्रो जो है यहाँ पे 24K जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है इंडेक्स फ्यूचर पे, 129 दोस्तों यहाँ पे जो है कॉल पे सेलिंग है, सो इनकी जो पोजीशन हो गई 153 सेलिंग की हो गई, और इनके पास दोस्तों 40,000 इंडेक्स पुट शॉर्ट है, सो इनके पास हो जाएगा दोस्तों 113। तो दोस्तों जो प्रो के पास जो पोजीशन आ रही है M2M में वो 1.13 जो है यहाँ पे बियरिश की पोजीशन आ रही है, ठीक है।
तो ये जो प्रो है ये दोस्तों, ये आपका जो है बेरिश हो गया, इसको यहाँ पे आप रेड कर दीजिए। प्रो जो है आज यहाँ पे बेरिश हो गया। FII भी दोस्तों आपको दिख रहा है कि बुलिश है, लेकिन ये मेरे को बुलिश दिख नहीं रहा है। ये किसी भी पल जो है यहाँ पे बेरिश साइड जो है ज्वाइन हो जाएंगे, बिकॉज इनकी जो पोजिशन है क्लाइंट वाली, ये इनकी पोजिशन अब रिस्क पे आ रही है। ठीक है, ये पोजीशन इनकी रिस्क पे आ रही है, क्योंकि ये इमीडिएटली इन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी शॉर्ट की उसको क्लोज करके और इमीडिएटली ये लोग लॉन्ग में चले गए। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग BTST एंड STBT को साइड करके, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रिंसिपल है निफ्टी व्यू का, हम लोग वीकेंड पे हमेशा ब्लैंक जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वीकेंड पे बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं। तो अब हमारी जो प्लानिंग है वो क्या होगी उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमें एक दिन और डेटा को फॉलो करना है, और सिर्फ बैंक निफ्टी का जो लेवल है, वैसे तो मेरे जून मैच के जो स्टूडेंट है उन्होंने लेवल निकाल दिया, हमारे जो एक सीनियर स्टूडेंट है डॉक्टर साहब, उन्होंने लेवल दिया हुआ, शायद मैंने ग्रुप में रीड किया था, उनका मैसेज आ चुका है। तो जैसे ही आपको ये दिखाई देगा कि 45,965 का लेवल ब्रेक होने लगा, आप जो है सेल साइड आ जाना। ठीक है, 46,000 जब तक होल्ड रहेगा तब तक आप जो है लॉन्ग के लिए वेट करो, या ये विश करो कि वहां से लॉन्ग हो सकता है। अगर खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो समझ लेना कि ये छलावा है, पहले मूव में तो बिल्कुल विश्वास मत करना बाई के लिए। अगर लॉन्ग किसी के पास गलती से फंसा होगा तो एग्जिट के लिए सोचना, क्योंकि जब तक नीचे आके दोबारा चलेगा नहीं या इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं करेगा जो कि 46,220 का है, तब तक आपको बाई में तो आना नहीं है। अगर जो रिस्की ट्रेडर है यहाँ जाता है तो यहाँ एक बार टॉप पे सेल का रिस्क ले सकते हैं छोटे से सेल लगा के, और अगर खुलते के साथ गैप डाउन खुला और ये लेवल टूट गया तो इमीडिएटली आप PE पे एंट्री कर सकते हैं। और बाकी निफ्टी के लिए जो आज का लेवल मैंने दिया था 19,675, अगर ये लेवल टूट जाता है तो निफ्टी में यहाँ से आप सेलिंग के लिए आ सकते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट डे डेटा चेंज हुआ है, और जब भी मार्केट रिवर्सल होना होता है, आपको याद होगा डेटा से इंडिकेशन पहले आता है, बट फर्स्ट टाइम के डेटा पे बिल्कुल हम एग्रेसिव होकर रिवर्सल के लिए नहीं जाते हैं, लेवल को मैच करते हुए जाते हैं। लेवल अगर मैच होंगे तो हम यहाँ से रिवर्सल के लिए जाएंगे, और हमेशा बिल्कुल क्विक वे में अगर कभी चेंज होता है डायरेक्शन तो चेंज करने के लिए भी रेडी रहेगा। अगर सेम फॉलो अप ही आ गया सो फाइनेंस निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो आपको पुट साइड से बढ़िया जो है देगी रिटर्न, इसके लिए रेडी रहिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। आई होप कि आपको जो डेटा क्लियर कट समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होंगे, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा रीड करने से पहले बता दूं कि फर्स्ट टाइम अगर आपने यहाँ पे विजिट किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो डेटा है आप डेली देख सको। सबसे पहले दोस्तों हम लोग निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन चेन में क्लियर कट दिख रहा है कि 26 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 20 लाख जो है पुट सेलर है। सो ओवरऑल जो डेटा है कॉल सेलर ज्यादा आ चुके हैं, सो निफ्टी में पोजीशन बेरिश की बनाई जा चुकी है। आप देखिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो काफी जो है पोजीशंस यहाँ पे राइट ऑफ हुई है, जो भी लॉन्ग्स थे वो कटे हुए हैं, यहाँ पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ATM पे तो काफी सारे OI दिख रहे हैं, 19,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है मार्केट लेने की तैयारी में है, और 19,700 एक सपोर्ट बचा हुआ है, ये टूटते ही यहाँ से जो है जर्नी थोड़ी बड़ी वाली स्टार्ट हो जाएगी। और ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो जो भी आपके पुट सेलर थे वो आज एग्जिट लिए हैं। ATM पे जो पुट सेलिंग चल रही थी यहाँ से कहीं कहीं वहाँ पे जो है स्क्वायर ऑफ मामला जो है दिख रहा है, और कुछ फ्रेश में जो है यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के लॉन्ग्स भी दिख रहे हैं पुट साइड में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है 23 लाख कॉल सेलर एंड 24 लाख पुट सेलर। तो बैंक निफ्टी का डेटा स्टिल आपने देखा होगा जैसे प्रोजेक्शन किया उसी हिसाब से है, थोड़ा सा भी डाउट में था चूंकि कोटक बैंक ICICI बैंक का रिजल्ट भी है, तो इनके रिजल्ट की वजह से बैंक निफ्टी का डेटा जो है डाउट में रहेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेके काम करना होगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन जो है राइट ऑफ हो रही है, और यहाँ पे 46,200 पे जो है अच्छे OI दिख रहे हैं, और ये जो OI है 46,000 वाला ये कॉल सेलर का है कि पुट सेलर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो कॉल लॉन्ग है और या तो कॉल शॉर्ट है, क्योंकि हाईएस्ट OI और इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब कि या तो ये फुली कॉन्फिडेंस के साथ सेलर हैं, क्योंकि ये सेलर जो आए हैं ये बेसिकली प्रो और या तो FII का सेलिंग है। बिकॉज आज अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो रहा है और इसके बावजूद यहाँ पे 160 की सेलिंग गई है,
तो मे भी कोई ऐसा प्लेयर है जिसको पता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तभी जाके वो आईटीएम की जो कॉल है वो ह्यूज क्वांटिटी में मार्केट के ऊपर बंद होने के बाद भी कैरी करके लेके गया है। तो यही जो लेवल है हमें इशारा देगा, यही लेवल हमें हिंट देगा कि बैंक निफ्टी गिरेगी नहीं। मार्क कर लीजिए, डायरी पर नोट कर लीजिए, 46,000 यहाँ पे देखिए 233 का जो है पुट साइड से ओआई है। सो ये पुट साइड से भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जनरेट हो रहा है, यानी कि अगर 46,000 ब्रेक हुआ जिसकी कन्फर्मेशन 45,975 के नीचे आ जाएगी तो हम यहाँ से सेल के लिए रेडी हो सकते हैं और दो भागों में टारगेट 45,500 का जो है जनरेट हो जाएगा। पुट में देखेंगे तो कुछ लॉन्ग्स भी हुए हैं, पुट जो सेलिंग थे वो राइट ऑफ हुए हैं। ओटीएम पे देखेंगे तो पुट में जो है आपको बराबर की जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन जो सारा जो मामला टिका हुआ है वो 46,000 के लेवल पे टिका हुआ है। सो 46,000 के लेवल पे आपको फोकस करना होगा मंडे को। बाजार खुलते ही अगर 46 टूट गया तो समझिए कि कहानी खत्म, वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ सेल और राइज करके चलना है। अगर 46,000 होल्ड है तब तक आपको सेल बटन नहीं दबाने हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको मैं क्लियर कट डेटा जो है डिलीवर कर पाया हूँ मंडे के लिए। सेशन पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिएगा, ये टेक्निकल लेवल का वीडियो नहीं देखा हो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।